आज की इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसमें क्यूआर कोड दिया होता है, जिस क्यूआर कोड में आपको डिटेल्स दी होती है प्रोडक्ट की या इन्फॉर्मेशन दिया होता है। सो गाइस, मैं हूं परवेश खान और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप क्यूआर कोड कैसे अपने जनरेट कर सकते हैं। जब कभी आप मॉल में या मार्ट में आप शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाते हैं तो आप प्रोडक्ट को आप परचेस करते हैं तो देखते हैं वहां पे कि क्यूआर कोड जनरेट किया होता है उनका खुद के द्वारा बनाया गया है। वैसे तो क्यूआर कोड आप वेबसाइट से भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन खासतौर से लोग मोबाइल यूज करते हैं तो मैं आपको आज बताऊंगा कि आप मोबाइल से क्यूआर कोड कैसे जनरेट कर सकते हैं और अपनी डिटेल्स को कैसे क्यूआर कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप बारकोड जनरेटर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे। चलिए हम इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का यूज़र इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप प्लस साइन देखेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको ऐड कोड पर क्लिक करना होगा। ऐड कोड पर क्लिक करते ही आपके सामने बहुत सारे क्यूआर कोड जनरेटर आ जाएंगे, जिसमें से आपको जो सा बनाना है आप चूज़ करके बना सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे सबसे पहला वाला ले लेते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं इसका यूज़र इंटरफेस कि आप जिस तरह से आप चाहें बनाना तो यहाँ पे आप बना सकते हैं। जैसे आप किसी को टेक्स्ट भेजना चाहते हैं तो टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं क्यूआर कोड को। अगर आप किसी वेबसाइट का लिंक आप भेजना चाहते हैं तो आप URL पर क्लिक कर लेंगे, या ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर, SMS, इसी तरह आप जियो लोकेशन, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, इवेंट, वाईफाई नेटवर्क, इन सभी चीज़ों में से कोई सी चीज़ अपनी डिटेल्स वगैरह किसी को सेंड करना चाहते हैं तो आप आसानी से बारकोड में उसे बना के सेंड कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपनी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे आपको बना के दिखा देते हैं कि हम अपनी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन को बारकोड में कैसे सेव कर सकते हैं और किसी को आसानी से कैसे भेज सकते हैं। कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले नाम देंगे, यहाँ पर हम टाइटल देंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे देंगे फोन नंबर, इसके बाद यहाँ पे देंगे हम एक ईमेल आईडी, यहाँ पे अपना लिखेंगे एड्रेस, यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट का लिंक ऐड कर देंगे और यहाँ पे हम कुछ नोट डाल देंगे, यहाँ पे हम डालेंगे कोड का डिस्क्रिप्शन और यहाँ पे हम चाहें तो अपना एक लेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। ये हमने रेडी कर लिया है। इसके बाद हम यहाँ पे टिक पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही हमारे सामने ये सारी हमारी डिटेल्स आ गई है और ये हमारा क्यूआर कोड बन चुका है। अभी हमने डिटेल्स फिल की है, उसकी एक बार कोड जनरेट हो चुका है। इसके बाद अगर हम इसे एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करके आप इसे सेव कर सकते हैं, यहाँ से इमेज की साइज़ को चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप PNG या JPG या वेब पेज में आप इसे क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से चाहें तो आप इसको फ्रंट और बैक का कलर्स चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये तो सेव हो चुका है। इसके बाद यहाँ से चाहें तो आप शेयर कर सकते हैं, शेयर पर क्लिक करके किसी भी वेबसाइट पे आप इसे शेयर कर सकते हैं सोशल मीडिया पे। तो हम इसे आपको गूगल ड्राइव में अब सेव कर लेते हैं और हम आपको दिखाएंगे कि इसे कैसे हम स्कैन करेंगे तो हमारी डिटेल्स वगैरह आ जाएगी। यहाँ से आप चाहें तो इसे डिलीट प्रेस करके आप डिलीट भी कर सकते हैं। बाद में फिर कभी हम जब इसको ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद आपके सामने फिर से वही सारी डिटेल्स आ जाएगी जो कि आपने पहले बनाया हुआ है, उसका बारकोड आ जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करके फिर से वही सारे प्रोसेस कर सकते हैं, आप इसमें जो भी चेंजेस करना चाहें आप इसे कर सकते हैं। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि इस बारकोड को स्कैन कैसे किया जाता है। तो हम इसे सबसे पहले तो इसे हम शेयर कर देंगे और सेव कर लेंगे। चलिए हमने जो भी अब बारकोड जनरेट किया है उसे अब हम स्कैन करके आपको दिखाते हैं कि स्कैन कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बारकोड स्कैनर को ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद हम अपने कंप्यूटर लैपटॉप में जाएंगे और लैपटॉप में जैसे ही हम सामने करते हैं इसे तो स्कैन करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपके सामने ये पूरी डिटेल्स आ चुकी है। जैसे कि मैंने जो भी अपने बारकोड को जनरेट करने के लिए हमने एक डिटेल दी हुई थी ये सारी स्कैन करने पे आसानी से आ चुकी है। अब इसे या आप चाहें तो यहाँ से भी आप इसे शेयर कर सकते हैं या मैप में आप शो कर सकते हैं या आप ऐड कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं।
कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। अगर मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए।